ऑर्कास यानी कि किलर व्हेल समुद्र की दुनिया के वो प्रीडेटर्स हैं जिनकी ताकत के सामने ग्रेट व्हाइट शार्क भी सर झुकाने के लिए मजबूर हो जाती है। आज तक तो हम यही सुनते आए हैं कि ग्रेट व्हाइट शार्क समुद्र की दुनिया की सबसे बड़ी खिलाड़ी है जो अपनी हंटिंग टेक्टिक्स की वजह से सभी मरीन एनिमल्स पर राज करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये शिकारी केवल मारने के लिए ही बने हैं, लेकिन किलर व्हेल्स वो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो इनकी हुकूमत को चुनौती देते हैं और इनके खूनी खेल को कुछ ही सेकंड्स में मात दे देते हैं। एक ग्रेट व्हाइट शार्क को भी किलर व्हेल्स की ताकत के सामने झुकना पड़ता है। आज के वीडियो में हम किलर व्हेल्स की हिडन फीचर्स को जानेंगे और कुछ ऐसी बैटल ऑफ भी देखेंगे जहां ये घातक जीव सील्स डॉल्फिन शार्क्स और यहां तक कि व्हेल्स को भी अपना निशाना बनाते हैं। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। बड़े विशालकाय समुद्र में रहने वाली ब्लैक एंड व्हाइट किलर व्हेल्स की खूबसूरती भले ही हमारा दिल जीत लेती हो, लेकिन ये भारी भरकम शिकारी समुद्र की दुनिया में सभी जीवों को डरा कर रखती है। इसका कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं है और ये फूड चेन में टॉप की शिकारी है जो हर तरह के एक्वेटिक एनिमल को अपना भोजन बनाने में सेकंड्स भी नहीं लगाती। किलर व्हेल्स को लोग ऑर्कास के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम सुनकर लगता है कि ये मछली जरूर व्हेल की फैमिली से ताल्लुक रखती होगी, लेकिन आपको बता दें कि किलर व्हेल्स असल में डॉल्फिन फैमिली की सबसे बड़ी मेंबर है जो बाल्टिक सी और ब्लैक सी को छोड़कर लगभग दुनिया के सभी समुद्रों में मौजूद है। इस मछली की खासियत है कि ये समुद्र में पाई जाने वाली बाकी शिकारियों से बेहद अलग है। किलर व्हेल्स को समुद्र की दुनिया के सबसे स्मार्ट क्रिएचर्स में गिना जाता है। ये मछली आकार में 10 मीटर तक बढ़ती है और इसका वजन 3 से 4 टन तक मापा जाता है। हालांकि मादाएं मेल से आकार में छोटी होती हैं, लेकिन फीचर्स के मामले में ये बिल्कुल नर जैसी ही होती हैं। समुद्र में आप इस मछली को इसके बड़े डॉर्सल फिन से पहचान सकते हैं जो कि 2 मीटर तक की लंबाई तक पहुंच जाते हैं। वहीं फीमेल से इनकी ऊंचाई काफी कम होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि विशालकाय होने के बाद भी ये जीव टीम वर्क में विश्वास रखते हैं और अक्सर झुंड में मिलकर शिकार करती हैं। पानी में तैरते हुए ये अपनी भारी भरकम शरीर के साथ 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यात्रा करती हैं। इसके शरीर की मसल्स इस तरह से विकसित हुई है कि तैरते हुए इसे ज़्यादा एनर्जी और एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और ये अपने मजबूत जबड़ों के साथ फुर्ती से शिकार को पकड़ लेती हैं। कुदरत ने किलर व्हेल्स को रेजर शार्प दांतों से नवाजा है जो लंबाई में 13 सेंटीमीटर तक बड़े होते हैं और 1900 PSI बाइट फोर्स रखते हैं, यानी कि अपने शिकार को सैलेड की तरह चबा जाते हैं और डकार भी नहीं लेते। फिजिकल फीचर्स के अलावा किलर व्हेल्स के पास ऐसी हंटिंग टैक्टिक्स होती है जो इसे सुपर प्रेडेटर का दर्जा दिलाती है। देखने में भले ही ये बाकी डॉल्फिन्स जैसी शांत लगती हैं, लेकिन इनकी डाइट में मुख्य रूप से सी लायन से लेकर शार्क जैसे बड़े जानवर भी शामिल होते हैं। एक किलर व्हेल्स खतरनाक इसलिए भी होती है क्योंकि ये हाथियों की तरह ग्रुप में रहना पसंद करती हैं जिसमें इनके परिवार शामिल होते हैं। इनके ग्रुप को चलाने का काम मुख्य रूप से ग्रैंड मदर्स और मदर्स करती हैं और शिकार से लेकर टारगेट चुनने तक के सभी अहम फैसले भी वही लेती हैं। ग्रुप में बच्चों को हंटिंग स्किल सिखाने और पालने का काम भी माँ ही करती हैं। इसके अलावा ये जीव परिवार के बूढ़े सदस्य और बीमार सदस्यों का भी ख्याल रखने का काम करती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बड़े परिवार में रहने के बाद भी ये शिकारी कभी एक दूसरे से लड़ती हुई नजर नहीं आती। ये अपना खाना मिल बांट कर खाती हैं और अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्यार से रहती हैं। ये हमेशा इस बात का ख्याल रखती हैं कि परिवार के सदस्यों को भर पेट शिकार मिले। एक किलर व्हेल को स्वस्थ रखने के लिए दिन भर में उसे 200 केजी मांस की जरूरत पड़ती है। अब जरा सोचिए, पूरे ग्रुप को भरपेट खाना खिलाने के लिए आखिर इन्हें कितने बड़े स्तर पर शिकार करना पड़ता होगा। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि इनका पूरा समय शिकार में निकल जाता होगा, तो आपको बता दें कि किलर व्हेल्स अपने टारगेट से कभी नहीं चूकती। ये एक सक्सेसफुल हंटर्स होती हैं जो अपने दिन का केवल 10% टाइम ही शिकार करने में लगाती हैं और बाकी समय यात्रा और मौज मस्ती करते हुए गुजारती हैं। हालांकि मरीन एनिमल्स के लिए ये शिकारी मछली राक्षस से कम नहीं होती, लेकिन ये कभी भी इंसानों पर हमला करते हुए नहीं पाई जाती। समुद्र की दुनिया में ये 100 सालों तक जिंदा रहती है, लेकिन हमेशा लोगों के प्रति अभी तक अच्छा व्यवहार ही दिखाती हैं। दोस्तों, समुद्र में ये मछलियां किसी भी दिशा में यात्रा कर सकती हैं क्योंकि इन्हें शिकारियों का डर नहीं होता। ये अपनी मर्जी की मालिक होती हैं। इनकी खास बात ये भी है कि शिकार करते हुए ये हर बार एक नई स्ट्रेटजी लगाती हैं और किसी को भी अपना शिकार बना सकती हैं। अब बात आती है इनके फाइटिंग बैटल्स पर। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे ये खूनी गैंग सील्स को अपने जाल में फंसा कर उनका काम तमाम कर देती हैं। दोस्तों, दरअसल सील्स किलर व्हेल्स के लिए एक फैट का अच्छा सोर्स होती हैं और इसीलिए ये विशेष रूप से उन्हें खाना पसंद करती हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि ये आसानी से उनका शिकार भी कर लेते हैं।
अब जरा इस क्लिप को देखिए, जहां सी लायंस का पूरा परिवार रहता है। किलर व्हेल्स जानते हैं कि सी लायंस को जब भोजन की जरूरत पड़ती है तो नर और मादा भोजन की तलाश में समुद्र में उतरते हैं, जबकि बच्चे किनारे पर ही माँ और बाप का इंतजार करते हैं। ऐसे समय पर बच्चों पर हमला करना किलर व्हेल्स के लिए सबसे आसान होता है। 35 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ते हुए किलर व्हेल्स बीच पर आ जाती है और लहरों के पास बैठी सील्स को अपने मुंह में भरकर वापस पानी में लौट जाती है। इस हमले में सी लायंस को पता भी नहीं चलता कि वो कब किलर व्हेल्स का शिकार बन जाती हैं। इस क्लिप में भी किलर व्हेल्स कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रही है। एडल्ट व्हेल की एक्टिविटी को देखकर यंग व्हेल भी उसे कॉपी करने की कोशिश करती है। ऐसे में जब बेबी व्हेल किनारे पर फंस जाती है तो माँ उसे रेस्क्यू के लिए आती है और अपने बेबी को पानी से खींच लेती है। इस तरह माँ और बेटी दोनों वापस लौट आते हैं। ये बेबी के लिए एक लेसन है कि बीच पर किस तरह से शिकार करना चाहिए। दोस्तों, किलर व्हेल्स जब कभी भी सी शोर पर शिकार करने में असफल रहते हैं तो वो सील्स को पानी में पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वो अपनी ईको का इस्तेमाल करके शिकार का सही लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करते हैं। डॉल्फिन होने के नाते किलर व्हेल्स के पास अल्ट्रासोनिक क्लिक एमिट करने की ताकत होती है, जिसकी मदद से व्हेल्स का ग्रुप सील्स को खोज निकालता है और तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है। पानी में सील को मारने के लिए ये एक नई रणनीति का इस्तेमाल करके उसे चारों ओर से घेर लेते हैं और फिर एक एक करके हमला करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये तेजी से अपने शिकार पर टक्कर मारते हैं और फिर जबड़ों का इस्तेमाल करके उन्हें बाइट करना शुरू कर देते हैं। हमला करते हुए ये सील को इंटरनल इंजरी पहुंचाते हैं। कभी कभी ये अपनी पूंछ का इस्तेमाल करके भी शिकार की हत्या करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही शिकार की सांसें रुक जाती हैं तब ये उन्हें अपना डिनर बना लेते हैं। दोस्तों, आपको इनका ये तरीका बेहद क्रूर लग सकता है, लेकिन कुदरत ने इन जीवों को इसी तरह से डिजाइन किया है। किलर व्हेल अटैकिंग डॉल्फिन्स। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये जीव डॉल्फिन के परिवार से संबंध रखने के नाते बाकी डॉल्फिन्स को अपना शिकार नहीं बनाते। आपको बता दें कि ये शिकारी अक्सर समुद्र में मौजूद फास्ट डॉल्फिन्स पर अटैक करते हैं। उसे मारने के लिए भी ये चारों ओर से डॉल्फिन्स को घेर लेते हैं। ऐसे में अगर डॉल्फिन एक मछली से बचकर दूसरी दिशा में जाने की कोशिश करती भी है तो वो किलर व्हेल्स के मुंह से जा टकराती है। अब जरा इस क्लिप को ही देखिए, जहां किलर व्हेल डॉल्फिन पर अटैक करके उसे हवा में उछाल देती है। ऐसे ही एक और क्लिप में किलर व्हेल्स का ग्रुप डॉल्फिन्स के शिकार पर निकला है। पहली बार में वो हमला मिस कर देता है, लेकिन किलर व्हेल्स का दूसरा अटैक काम आ जाता है। ये अपने पूंछ से डॉल्फिन्स पर हमला करती है और उसे हवा में उछाल देती है। इससे पता चलता है कि ऐसे शिकारियों के खिलाफ डॉल्फिन्स के बचने का कोई चांस नहीं होता। शार्क्स। किलर व्हेल्स केवल डॉल्फिन्स ही नहीं बल्कि शार्क को भी अपना शिकार बनाती हैं। अब जरा इस क्लिप को देखिए, जहां स्विमर्स किलर व्हेल्स को फिल्मा रहे होते हैं, तभी गलती से टाइगर शार्क वहां आ धमकती है। शार्क के डर से सभी कैमरामैन शिप में चले जाते हैं। जैसे ही वो अपना कैमरा पानी के नीचे करते हैं तो पाते हैं कि दो किलर व्हेल्स पहले ही शार्क को अपने जबड़ों में फंसा कर मारने में बिजी होती हैं। ऐसे ही एक और क्लिप देखिए, जहां ये शिकारी जीव शार्क को अपने मुंह में फंसा कर तैरती नजर आ रही है। जरूर ये इसे अपने लंच के लिए झुंड के पास ले जा रही है। व्हेल्स। ऐसा नहीं है कि किलर व्हेल्स केवल छोटे जीवों को ही अपना शिकार बनाते हैं, बल्कि व्हेल्स जैसे बड़े खिलाड़ियों को भी अपने जाल में फंसाकर उन्हें बचने का कोई मौका नहीं देते हैं। अब जरा इस क्लिप को देखें, जहां ये शिकारी 10 मीटर लंबी व्हेल को अपने शिकार के रूप में चुनते हैं। इस मछली को पकड़ने के लिए किलर व्हेल्स का झुंड पहले व्हेल के साथ साथ तैरता है। अपनी नई रणनीति के हिसाब से झुंड के कुछ सदस्य व्हेल को टक्कर मारते हैं, वहीं कुछ उसे हवा में फ्लिप करने से रोकते हैं ताकि वो सांस ना ले पाए। इस तरह से वो व्हेल को थकाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो ढीली पड़ने लगती है तभी ये झुंड मिलकर व्हेल को नीचे पलट देते हैं और उसे पानी में डुबाकर उसकी जान ले लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी समुद्र की दुनिया के वो शिकारी जो टॉप मरीन एनिमल्स तक को डोमिनेट करते हैं और उन्हें अपनी ताकत के सामने झुकने पर मजबूर कर देते हैं। तो दोस्तों, आपकी नजर में सबसे खतरनाक समुद्री जीव कौन सा है कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।